हेलो गाइस, यहाँ पे हम लोग दो फ़ोन में देखने वाले हैं कि गेमिंग परफॉर्मेंस आपको किस में ज़्यादा अच्छा मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे है सैमसंग का गैलेक्सी A50s और एक है रियलमी का लेटेस्ट लॉन्च X2, जो कि काफ़ी फेमस फ़ोन है। अभी कस्टमर्स का काफ़ी डिमांड आ रहा है इस फ़ोन के प्रति। मैं आपको कुछ रियलिटी से आज यहाँ पर आपको मिलवाना चाहूँगा। देखिए, दोनों फ़ोन्स में मैंने पबजी को ओपन कर रखा है। पबजी दोनों ही फ़ोन्स में बहुत ही अभी डिमांडेड गेम्स के तौर पर देखा जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा, ये जो रियलमी का X2 है, इसमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का एक मिड रेंज का फ्लैगशिप चिपसेट है, जिसे हम लोग स्नैपड्रैगन 730G के नाम से जानते हैं। 730G जो है वो स्पेशली गेमिंग के लिए डिज़ाइन किया गया चिपसेट है। तो आज इन दोनों फ़ोन में हम देखने वाले हैं कि गेमिंग परफॉर्मेंस आपको किस में अच्छा मिलता है। अगर हम X2 में अगर ग्राफिक्स की बात करें, तो आप सेटिंग्स में जाएंगे और ग्राफिक्स वाले सेक्शन में जाते हैं, तो स्मूथ सेक्शन में आपको अल्ट्रा तक का तो ऑप्शन मिल जाता है, बट अल्ट्रा के ऊपर का ऑप्शन नहीं मिल पाता है। जबकि हम गैलेक्सी A50s में अगर हम ग्राफिक्स सेटिंग्स में जाके देखते हैं, तो ग्राफिक्स वाले सेक्शन में हम जैसे ही जाते हैं, स्मूथ में देखिए आप स्मूथ सेक्शन में एक्सट्रीम ग्राफिक्स फ्रेम रेट का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, जो कि रियलमी X2 में मिसिंग है। उसके बाद अगर हम दोनों फ़ोन में HDR मोड की बात करें, तो रियलमी X2 में HDR मोड सपोर्ट नहीं कर रहा है, जबकि गैलेक्सी A50s में HDR मोड और अल्ट्रा ग्राफिक्स के साथ ये सपोर्टेड है। पर्पस इस वीडियो का ये था गाइस, कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि एक फ़ोन जिसमें 730G जैसा गेमिंग के लिए डिज़ाइन किया हुआ प्रोसेसर, जो कि मिड रेंज का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, वो लगा हुआ है, उसके बावजूद भी इस फ़ोन में आपको गेमिंग कैपेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही है। जबकि A50s जिसमें एक 10 नैनोमीटर का सैमसंग का एक्जीनोस 9611 चिपसेट यूज किया गया है, उस फ़ोन में आपको गेमिंग का इतना लाजवाब एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच। फ़ोन लेने से पहले एक बार ज़रूर ध्यान रखें, सिर्फ नाम पे फ़ोन को ना खरीदा करें।